नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी दर्शकों को, समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का जन्म इसी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि को हुआ था, इसीलिए हम चैत्र माह के नवरात्रों में नौमी तिथि को श्री रामचंद्र जी का पूजन व्रत इत्यादि करते हैं और सुख समृद्धि और अपनी एवं अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष में पुनः राम राज्य लौट आए। इस बार यह नौमी तिथि शनिवार 13 अप्रैल की पड़ रही है। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से और कई फोन आ चुके हैं कि नौमी तिथि इस बार कब मनाई जाएगी, तो मेरा कहना है जो लोग रामनवमी का व्रत करते हैं उनके लिए शनिवार 13 अप्रैल बहुत अच्छा दिन रहेगा, और जो लोग कंजक इत्यादि दुर्गा नवमी का पूजा पाठ करते हैं वो लोग 14 अप्रैल को नवमी तिथि का ग्राह्य करें। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म नवमी तिथि मध्याह्न काल में हुआ था। 13 तारीख को अष्टमी ग्राह्य सहित नवमी तिथि है और 14 तारीख को उदय व्यापनी नौमी तिथि होगी। अर्थात धर्म सिंधु पुस्तक की माने तो उसमें लिखा है कि चैत्र शुक्ल रामनवमी अश्याम मध्याम व्यापिन्याम उपोषणम कार्यम। अर्थात आपको मध्याह्न व्यापनी नौमी तिथि में भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन पाठ करना चाहिए। तो रामनवमी 13 अप्रैल शनिवार मध्याह्न काल मध्याह्न 12 बजे से प्रारंभ है और दुर्गा नवमी उदय व्यापनी तिथि 14 अप्रैल को है। अर्थात रामनवमी का व्रत 13 तारीख को ही करें। यदि आज तो मित्रों इस जानकारी को आप शेयर अवश्य करें ताकि सभी मित्रों को पता चल जाए कि रामनवमी 13 तारीख को ही मनाई जाएगी। नमस्कार।